और इस गांव में एक ये छोटा सा पोस्ट ऑफिस भी है, जलानास गांव में एक छोटा पुलिस स्टेशन। और ये मुझे अपने भाई के घर लेके आए। तो ये आ गए हम इनके खेत में। तो स्वागत है आपका एक और दई व्लॉग में, और मैं हूँ अभी कजाकिस्तान के एक गांव जलानास में। कल जिस होटल में मैं रुका कल रात, वो होटल भी है और रेस्टोरेंट भी है। तो मेरी इनसे काफ़ी बातचीत हुई थी, इनको पता भी लग गया था कि मैं व्लॉगर हूँ। तो इन्होंने मुझसे कहा कि भाई अपना ज़रूरत का सामान जो आपका ज़रूरी है वो सामान ले लो, और तुम हमारे साथ चल रहे हो हमारे घर। खाना भी अपने साथ बैठ के खाया हमने रात को। तो अभी मैं इनका घर दिखाता हूँ आपको। होटल में अभी ये जाएंगे तो होटल बाद में दिखाऊंगा। और ट्रक भी है इनके पास, सामान बहुत भरा पड़ा है इनके घर में यार। इधर भी काफ़ी कबाड़ा है इस कमरे में, ऐसा लग रहा है कि सोवियत के टाइम से ही काफ़ी चीज़ें रखी हुई है। ये इनका बड़ा लड़का है सामने, ये छोटा, और इससे छोटे दो और है। और ट्रक का इंजन विंजन बाहर निकाल के रखा हुआ है। ये साइकिल भी बहुत पुरानी लग रही है। और इनके घर में ये जो आलू बुखारा प्लम होता है उसका पेड़ है, अभी इसमें तीन चार लगे थे ऊपर, वो इन्होंने तोड़ के मुझे खिला दिए है। ये तो जो हम इंडिया में खुरमानी बोलते हैं उसका पेड़ है, इस पर भी काफ़ी लगी हुई है। ओ तेरे की, इसके अंदर भाई बकरिया है, और ये इनका गाय भैंस के लिए जो चारा। काफ़ी लंबा चौड़ा घर है, उसी में सब कुछ है। अभी मैं इनका दिखाता हूँ जो घर है अंदर से। बाहर से ऐसे ही कबाड़ खाना लग रहा है, लेकिन अंदर से काफ़ी अच्छा है घर। बाहर से देख के लगता नहीं कि अंदर ऐसा होगा। ये इस साइड इनका वॉशरूम है, टॉयलेट। क्लीन है, साफ सुथरा। ये साइड में एक कमरा है, यहाँ पर मैं सोया था। ये सोफा कम बेड है। और ये सामने है किचन, यहीं पे हमने अभी ब्रेकफास्ट किया है। ये किचन में इनका ओवन, फ्रिज, जो भी मतलब सामान होता है। और ये ओनर, हेलो ये ओनर जो है मतलब उनकी वाइफ। और ये है बंदे, हेलो। ये भाई रात को बोले कि अकेला क्या करेगा, कोई और टूरिस्ट भी नहीं है तो घर ही चल। ये इनकी बेटी है और ये छोटा बेटा है, और ये इनके बच्चों के खेलने का इंतजाम। और ये कमरा है इनकी अम्मा का, जो इनकी मदर है। और घर काफ़ी अच्छा है, बाहर से देख के नहीं लगता। ये सामने इनके जो बड़ा लड़का था वो, और एक दूसरा जो छोटा, ये उनका कमरा है। ये इनका बेडरूम है ओनर। तो ये है इनका घर, जो बाहर से देख के नहीं लग रहा था, अंदर से काफ़ी ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा है, साफ सुथरा है। अभी बोल रहा है कि मैं कैफे में जा रहा हूँ, और मेरा भाई पहले ही मतलब अपने मम्मी पापा से, तो कह रहा है कि हमारे साथ चल रहे हो क्या, तो इन्हीं के साथ चलता हूँ। तो ये आ गए हम इनके होटल में, जो रेस्टोरेंट भी है। और ये जो नोमैडिक, कजाकिस्तानी नोमैडिक के जो ये टोम टाइप हुआ करते थे, वो भी है इनके पास इसमें। लेकिन ये रेस्टोरेंट है तो खाने पीने के लिए है।
है ये। इनका एक किचन, ये मीट वीट कुछ इंतज़ाम जो इनके रेस्टोरेंट में चलेगा पूरे दिन। तो भाई ये सुबह ही लग जाते हैं काम में पूरी फैमिली। यहाँ से है, ये है मेन एंट्रेंस। यहाँ पे इन्होंने सब्जी वब्जी काटी थी। ये स्टोर रूम, ये यहाँ पे बंदे आके बैठते हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए, ऑर्डर करते हैं तो यहीं बैठ के खाते हैं। ये सिटिंग एरिया, टीवी, और ये है जो हॉस्टल ये किराए पे देते हैं, एक ही बेड है, एक ही बेड है और एक इसके सामने। सिर्फ चार बेड्स है जो, तो काफ़ी अच्छा है माहौल यहाँ का। के साथ काफ़ी अच्छा लगा रहा है कि तो इनका रेस्टोरेंट और घर दोनों ही जगह अच्छी है और ये लोग भी अच्छे हैं। लोग यहाँ पे मुझे सभी अच्छे मिले हैं। सैती विलेज था जो कोलसाई और कैंडी लेक के जो नियरेस्ट है, उसमें होटल काफ़ी महंगे है, तो आप यहीं रुके तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और ये लोग जो अपना मेहमान समझकर आपके साथ बिहेव करते हैं वो लाजवाब है। तो ये आ गए हम इनके खेत में जो, और ये भाई आलू आलू निकाल रहे हैं। ये बोले कि हम खेत में चल रहे हैं, तो मैं बोला चलो चलते हैं। तो ये थोड़ी देर पहले आ गए थे जो ओनर है, और ये लड़का मुझे लेके आया, साइकिल पे आए हम। और भाई सिर्फ ये थोड़े से एरिया से निकाली है कम से कम 20 किलो आलू। तो अभी चलते हैं वापस, और ये मुझे अपने भाई के घर लेके आए। और ये जो कजाकिस्तान में फेमस है हॉर्स, घोड़े कजाकिस्तान में आपको शायद सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे, और घोड़े का मांस भी सबसे ज़्यादा यहीं कजाकिस्तान में खाया जाता है। वो घर है, अभी अंदर गए थे हम, लेकिन अभी है नहीं घर में कोई, बोल रहा है ये बाहर ही गए खेतों में। और ये मुर्गियाँ, ये सभी नहीं की है। और ये ट्रैक्टर ट्रक, ये फोन कर रहे हैं उसको, अपने भाई को। और भाई यहाँ सुबह से मौसम ख़राब है, सुबह भी बारिश आई थी, तो घर में तो है नहीं। फ़ोन भी किया इन्होंने, फ़ोन नहीं लग रहा उनका, तो अभी बोल रहे चलो वापस चलते हैं। और बारिश भी आने वाली है,
तो चलते हैं वापस। हॉर्स अभी शांत और साफ सुंदर सा गांव है। ये बच्चे जिस होटल में मैं रुकाऊँ उसी में ये रहते हैं। आई मीन इन्हीं के माँ बाप ओनर है, तो ये मेरे साथ आए हैं, बोले कि चलो थोड़ा घुमा के लाते हैं। और सभी घरों की जो बाउंड्री है ना वो ऐसे लकड़ी के बैरिगेट से की हुई है, जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। वो वे लड़के भागे गए, बोले कि एप्पल सेब का पेड़ है शायद। नो 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 नो, कम कम। ये घर शायद कोई रहता नहीं है इसमें, और इसमें लगी हुई है सेब। और भाई ये कितने सारे यू ईट ईट क्या बोलते हैं इनको, इंडिया आया। इंडिया। और भाई गांव में एक पेट्रोल पंप भी है छोटा सा। गैराज गैराज। और इस गांव में एक ये छोटा सा पोस्ट ऑफिस भी है, और ये छोटा सा सुपरमार्केट। और ये है जलानास गांव में एक छोटा पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पेट्रोल पंप भी है, पुलिस स्टेशन भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, और होटल भी है, हॉस्टल भी है, रेस्टोरेंट भी है। अलग नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है गांव वालों के साथ रहना। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।